ये आज का जो कार्यक्रम रखा गया है सीआईटीयू के आह्वान पे, आज पूरे प्रदेश के अंदर हमारी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर, मिड डे मील वर्कर, क्रैच वर्कर और इसके साथ मजदूरों की और भी कैटेगरियां, आज हम आंदोलन पे हैं और हम बीजेपी की सरकार को, विशेषकर जो हरियाणा की सरकार है, उसको ये बताना चाहते हैं आज प्रोग्राम करके। आज 11 जुलाई का दिन है, 11 जुलाई से और जिस दिन आचार संहिता लगेगी, सितंबर का शायद दूसरा सप्ताह होगा जब आचार संहिता लगेगी, हम हरियाणा की बीजेपी की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ये विश्वास नहीं था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार को हराया जा सकता है। उसके बावजूद लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया और वो बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री जो 400 पार की बात करते थे, उनको केंद्र में अपने दम पर भी बहुमत नहीं मिला। और हम ये बात कहना चाहते हैं, ढाई महीने के बाद हरियाणा की सरकार के चुनाव है, तो वहां तो किसी प्रकार से सरकार बना ली मोदी ने, लेकिन अगर मजदूरों की, मेहनतकश लोगों की आवाज को कुचला गया, स्कीम वर्कर को, कच्चे कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज किया गया, आने वाले जो चुनाव है ढाई महीने के बाद, हरियाणा के तमाम मजदूर, कर्मचारी, स्कीम वर्कर बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। ये प्रोग्राम आगे भी बहुत है, इतनी भारी गर्मी के अंदर आप आए हैं। मैं सीआईटीयू की ओर से, हरियाणा राज्य कमेटी की ओर से, 23 तारीख को खजाना खुलेगा, ये कदे की है बैंक सारे साल आपको सुनियो तो कदा 23 को खुलेगा भाई लो, खुलने का मतलब के है अपने देश की खजाने की मंत्री है एक महिला, निर्मला सीतारमण नाम उसका, वो बजट पेश करेगी। आपा बेरा क्यों कठे या कई धात्र कठे हुए हैं, जय तो खजाने में मारा हिस्सा का है न्यारा कर दिए, नहीं तो इब के थी कंपार्टमेंट पे इब के फैल कर देने चाहे मिलना पड़ते, यह ताकत अपने अंदर है। ये बात मैं तो कहना चाहता हूँ, कोई बावड़े को ना इस उमस भरी गर्मी में 50-100 रुपये, ये हमारी मित्र मिल की बहने इतनी गर्मी में खाना बना के आई है, यहाँ इनके घर में जाकर देखो पास्ता की पढ़ाई खातर रखी है कौन है, हालत के है हमारे घर में। तो आज आप इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि जो 23 तारीख को, 23 जुलाई को, 23 तारीख में जो खजाना खुल रही है, वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, उसमें आशा वर्कर की तनख्वाह बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, हमारी मिड डे मील की बहनों की 12 महीने की होगी कि नहीं होगी, जो भी हमारी मांगे हम पक्के होंगे कि नहीं होंगे, वो उससे जुड़ी हुई बात है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, कोई टीवी चैनल, कोई मीडिया ये बात नहीं लिखता। एक बात इसके साथ और कहना चाहता हूं आपको, अब स्थिति बदल गई थोड़ी हरियाणा में, खास तौर पर क्या बदल गई, बदल ये गई, अब अभी एक तो 2 महीने बाद हमारे यहां चुनाव है, सितंबर में हो जाओ, अक्टूबर में हो जाओ, तो 60 रुपया में जो हिस्सा है आशा वर्करा का,
और मिड डे मील वाली बाण आके जो 75 मत है उन मत है आप कितना हिस्सा ले सके हैं इस बात की लड़ाई अब शुरू है। दूसरी चीज केवल मसला इतना नहीं है बहनों, कल हमारे साथी रामचंद्र वर्ग ज्ञापन दे रहे सिविल हॉस्पिटल के अंदर 5 अल्ट्रासाउंड की मशीन है, 5 एक भी कोन्या चलती और आशा वर्कर आगे पाछे पड़ रहे, सर्वे नहीं करती, काम नहीं करती, ये मशीन धरा कितना जो नहीं है बताओ, किसे पीएचसी पे अल्ट्रासाउंड की मशीन से बताओ, मैं गया था सारी कितने सीएचसी पे से तो देखा जाओ, फोटो उतार लो उसमत है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता। आने के सिविल हॉस्पिटल की बताऊ मैं, आशा वर्कर के पास से पढ़ रहे, तारे नोटिस काट देंगे, न्यू करेंगे, हालत के ना डॉक्टर ना दवाई, क्यों अपने ऊपर दंदा क्यों बाज रहा, जो सब तक कमजोर हो है ना वो आगरा मंदिर की घंटी उनता जनता कोई बता दो आपा तो ऊटो तो आशा बहने और वो मंदिर की घंटी कोई बजा दो ताली पट गई ठीक कितने तक कोई किने कहेगा कोई किने कहेगा। इस बात के लिए आपा ने जो काम लोकसभा में किया थोड़ा डर था। दूसरी बात ये जो ऑनलाइन वाला मसला है, मैं दो चीजें आपको कहना चाहता हूँ, आपने बेबे है उसका छोरा लग गया है, मेरा क्या न लग गया, सरकारी नौकरी लग गया, ड्राइव में लग गया, अंग्रेजी का सब्जेक्ट TRAI वापस सारे खोल ले रहे हैं, तो ईसा ले रहे थे बड्डा ले रहे, सबके रिचार्ज के रेट बढ़ गए नहीं बढ़ गए, देखो आप पहली बार में रिचार्ज फिर गए बढ़ गए 40 कोयला बढ़ते रहे बे। मैं बताऊं कितने बढ़ गए, 28 करोड़ एक अपने देश में 109 करोड़ मानस है जो छोटा और बड्डा फोन करते हैं, ये पुष्पा के 40 बज गए, इसने गुणा कर लो 109 करोड़ से गुणा करो, एक साल में लगभग 34,000 करोड़ रुपये, कितने 34,000 रुपया में 1 करोड़ में गिनती करोगे, इतने रुपये रिचार्ज के नाम के लिखड़ जाएंगे, ये तो अपनी गोद में तो लिखड़ेंगे। दूसरे सारा काम ऑनलाइन कर दिया, इन सरकार भी उन रुपये कमा के देगी, किसने अंबानी ने, तहसीलदार साहब 2 मिनट लूंगा फिर आपने ज्ञापन दे, तो अंबानी और ने एयरटेल आया ने इनने इतने रुपये कमा के देगी, रुक जाए सुनो विवाद सुन लो नहीं, मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये सब कुछ ऑनलाइन करके सारा डाटा प्राइवेट कंपनियों को कमवाने की योजना, इसके खिलाफ है लड़ाई, ये अपने आप न्यू को ना अकंबानी के याद आई रुपए के रेट ना, इस देश में टेलीफोन के रेट जिसमें हमारा भाई नौकरी लग गया ना, जिसने ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंग्रेजी का नाम बढ़ गए, बिजली के टेलीकॉम के रेट सरकार तय करती है, मोदी ने अंत यू काम कराया, अंबानी तरह छोरे का ब्याह है, रुपये थोड़े हैं और भी लोग, एक साल हो लिया ब्याह साल रहा है, इसा भाया मानस से 2-3 तो कुर्सी चाहिए उसका तरह बैठाने खाते ठीक, इसा भाया मन तो बहुत तो देखा मैंने कुछ हम इसे भी देखा है, ब्याह हो नहीं लिया सूर सप्त्या में 1,000 करोड़ रुपये ब्याह ब्याह में अंबानी के छोरे का खर्चे हो गए, कितना होने रखिए अपनी गोद में तो लगड़े हैं, सब किने कंपनियों का पालन की योजना, तो कहना ये चाहता हूं अब जो कंपार्टमेंट आई है देखा है ईब जब 2 महीना पाछा होगा जब अपनी ना सुनी ईब का पक्का
ट्रायल करेंगे कंपार्टमेंट पर गाड़ी रुकती को ना। और भाई एक तो साथ गया अपनी खट्टर साहब अपने दिल्ली जा बैठे अपना जुगाड़ कर लिया ईवीओ फंस गया नायब लोग जुगन नायब बनिए तो गायब से और ना होया तो दो महीने पाचे अरे की धमता करके सब क्या गलत दे रहा क्या। तो इतनी बात कहते हुए दो अपील आखिरी में आने वाली 19 तारीख को हमारी हरियाणा की आशा वर्कर बहने और नया नया स्वास्थ्य मंत्री बना है डॉक्टर कमल गुप्ता हिसार में उसके धुआकड़े जाएंगे अब सहमति बनेगी रू कर दे नहीं तो पक्की कंपार्टमेंट इट का डॉक्टर बोलिया और मिड्डे मिलाई बहाने क्योंकि तुम्हारे मिल रहा है छुट्टी का और तक सही नहीं मारे भाई 28 तारीख ने फरीदाबाद जाएंगे सीमा त्रिका मंत्री बना रखी या शिक्षा मंत्री कह लो तो हमारी 12 महीने की तनख्वाह करो और घाटता घाट 2000 रुपये हमारी वर्दी के लागू करो। हाँ मर रहे हैं ना करते तो जब हमने पक्के नहीं करोगे हम भी तो हमने पक्की बात से इनका कच्चा करके छोड़ देंगे या कह चाले गलत बात समझे। तो इतनी अपने कुछ ज्ञापन है एक तो है प्रधानमंत्री के अकीब के 23 तारीख ने खजाना खुल लगा मारे माँ का हमारा हक दर्जी है और कुछ अलग अलग अपनी यूनियनों के हमारा जो अध्यक्ष मंडल है यूपी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार हमारे बीच में है।